बंधुओं का जेडी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर आने वाले चुनाव के लिए कहा कि शांति का प्रतीक है भाजपा, 2 माह के अंदर ये सरकार गिरेगी और निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बनेगी। सब जानते हैं कि एक तरफ शांति और दूसरी तरफ अशांति की लड़ाई, शांति का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी, अशांति का प्रतीक कौन है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने वाले लोग हैं। आप सब कोई जानते हैं कि हमारे उम्मीदवार पर एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं है, तो दूसरे तरफ अपराध और अपराधियों का संरक्षण देने वाला लगातार, आप उनके रिकॉर्ड को पढ़ लीजिए, मैं तो पढ़ रहा था, जो चुनाव आयोग में दिया गया है आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा भरा पड़ा है। इसलिए व्यक्ति के आधार पर कहा जाए तो एक तरफ शांत प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व, दूसरे तरफ इस क्षेत्र को अशांत करने की हमेशा लगातार उन्होंने प्रयास किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, संरक्षण में समर्थन देने वाले कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको एनआईए खोज रही है, उनको आर्थिक मदद दिया जा रहा है, ये मेरे पास जानकारी है। ये ऐसे कोयला के तस्कर लोग हैं, व्यापारी लोग हैं जिनको एनआईए खोज रही है। और मैं कोयला मंत्री से बात करना जाकर के दिल्ली में बात करूंगा, पत्र भेजूंगा कि ऐसे व्यापारी जो जिनका संबंध वैसे लोगों से है जिनके कारण उनको पुलिस खोज रही है, एनआईए खोज रही है, उसके ऊपर उसको किसी भी हालत में ब्लैक लिस्टेड किया जाए और सीसीएल बीसीसीएल कोल इंडिया में उनको किसी प्रकार के काम, उनके और उनके परिवार को काम न दिया जाए। नाम भी बता दीजिए। बता देंगे नाम, समय आने दीजिए, अभी चुनाव नहीं, हम बताएंगे समय। चुनाव के बाद नाम बताएंगे क्या? नहीं, जब हमारी आप हमको जब जरूरत होगी तब बताएंगे, कि अभी आपके अनुसार हम नहीं बताएंगे। कोयला मंत्री से जाके आप पुलिस शिकायत करेंगे ना? हम बताएंगे जब समय आएगा, तो हम सार्वजनिक करेंगे, आपके सामने सार्वजनिक करेंगे और आपके सामने वो पत्र देंगे, उसका नाम का उल्लेख करेंगे। समय आने दीजिए, मदद करने का प्रयास करेंगे। तो इस टेम्पोररी सरकार जो बहुत जल्द जाने वाली है, बहुत जल्द जाने वाली है सरकार, और ये सरकार जाएगी तो वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उनको सजा देने का काम